मोदी को भी हिसाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? लगता है जनता ने हिसाब मांग ही लिया है। इलेक्शन एनालिसिस तो आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं हु सेड व्हाट ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। एंड टुडे वी आर पुटिंग इन द स्पॉटलाइट नन अदर देन। तो पांच राज्यों के नतीजे तो हमारे सामने आ ही गए हैं और अरे लगता है कि नामदार हैज वन ओवर द कामदार। ये झूठ फैलाने वालों की हवा को वही की वही चकना चूर कर दिया है। तो बीजेपी की पीआर मशीनरी को भी एक ब्रेक तो बनता है। अब गले लगते हैं, कंधे पर हाथ रख के बात करते हैं आप उनसे, उसके बाद वो फोटो छपती है। कांग्रेस डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर चल नहीं सकती थी, इसीलिए उन्होंने ये गेम खेली। With advertisements appearing 22,099 times, BJP has also overtaken big advertisers like Netflix and Trivago. मोदी जी का चाय वाला जाइब does not seem to be working anymore. एक चाय बेचने वाला? एक चाय वाला? मैं चाय वाला हूँ, इसलिए मुझे मालूम है चाय भी नहीं आती 90 पैसे में। This tactic does not seem to be working either. जातिवाद का जहर फैलाने का पाप किसने किया? उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने न केवल बीजेपी के दलित मिशन पर सवाल उठाया है बल्कि दलितों का अपमान भी कर दिया है। अमीर और गरीब का भेद किसने किया? Sure. हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। सर जी, अब तो आपके कार्यकर्ता भी बोर हो गए हैं। इस चुनाव ने बहुत कुछ बदल दिया। मोदी जी भी मुस्कुराते हुए प्रेस के सामने आ गए। हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि सभी विषयों पर चर्चा हो, खुलकर के चर्चा हो, श्योर तेज तर्रार चर्चा हो, तीखी तमतमती चर्चा हो, लेकिन चर्चा तो हो। इतना सब कुछ हो ही गया है तो सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बनती है। इस इलेक्शन में तो बहुत कुछ बदल गया। अब देखते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले चार महीनों में क्या क्या बदलता है। देश की जनता ने उनको निराश कर दिया। मोदी जी, आर यू वरिड?